हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहा हुसैन और मेरा नाम है मोहसिन खान। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं दुनिया के 7 खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और मुझे तो अभी से ही बेचैनी हो रही है कि क्या है क्या नहीं है। तो चलें बगैर कोई टाइम ज़ाया करें, लेकिन देख जाने से पहले जरा सब्सक्राइब लाजमी कर देना हमारे चैनल को। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ऐसी बहुत सी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या खतरनाक है, तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा। चले फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे वैसे तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये ट्रेन खतरनाक है। नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। दोस्तों, थाईलैंड के मैकलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियाँ शहर के भरे मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अरे भाई, आबादी के बीच से गुजर रही है ट्रेन, यानी इतना खतरनाक है। वैसे सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। यहाँ पर जैसे पाकिस्तानी वहाँ फुटपाथ पे ठेले वगैरह लगा लेती है, वैसे वहाँ पर ये लोग ट्रेन की पटरी के बाहर दुकानें लगा रहे हैं। हमारे वहाँ तो फिर भी फुटपाथ पे लगाया जाता है ना, ये तो समझो कि एक रेलवे ट्रैक है उसपे। हाँ, रिक्स नहीं है उसमें, मगर यहाँ तो खुल्ला मुल्ला भाई रिक्स है। देखते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे। 27 साल कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4,200 पर बनाई गई है, इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं। ये ट्रेन करीब 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरती है। उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को मौत की सवारी लग रही है। बड़ी गहरी ऊंचाई पे भाई, हाँ ऊंचाई से अगर नीचे देखे बंदे चक्कर आ जाए। खतरा है भाई, बड़ा खतरनाक है वे। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई। दोस्तों, अच्छा इंडिया में ये इंडिया के भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, भारत का भी है भाई खतरनाक। रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज कहा जाता है। इस पुल की ये तो समंदर के बीचों बीच है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया और 24 फरवरी 1900
1914 में तैयार हुआ यार। ये खतरनाक हो सकता है। अच्छी बात है भाई, कतराएंगे। ये थाईलैंड में तीसरा ट्रैक खतरनाक। लोगों की कुर्बानियों से बना ये। तो देखने से ही हॉरर लग रहा है। छोटा इंडोनेशिया में जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बंदुंग से जोड़ती है। जकार्ता से बंदुंग तक का ये सफर सिर्फ 3 घंटे का है, पर ये 3 घंटे आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफी है। इस सफर के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे, पर वीडियो के टाइटल से आप जान ही चुके होंगे कि हमने ये ट्रेन क्यों ऐड की है। दोस्तों, इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रॉपिकल। क्या नजारा यार, थोड़ा खूबसूरत भी है वैसे ये नजारा है ना। शैतान की नाक। एडवेंचर करने चलते हैं। चलो भाई। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपका दिल मजबूत है तो आपको इस रेलवे ट्रैक पर एक बार सफर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के इन सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से आप किस रेलवे ट्रैक पर सफर करना चाहेंगे? कर देना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इनका। और आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें भाई। बड़े कोई खतरनाक रास्ते थे भाई। मुझे तो गाइस जो खतरनाक सबसे लगा है वो तो पहला वाला ही लगा है, जो आबादी के बीच में और ट्रेन की पटरियों के साथ ही वो सब्जियां, मतलब लोगों को जगह नहीं मिली तो लोगों ने सोचा कि भाई हम ट्रैक के बीच में जाके। अच्छा, जैसी ट्रेन आती थी वो लोग अपना बोरिया बिस्तर सब अपना साइड में करके ट्रेन को जाने देते थे और ट्रेन चली गई तो फिर वापसी हुई, फिर अपने काम पे शुरू। रिस्की है, बहुत रिस्की। लेकिन फिर वीडियो में बहुत मजा आया। दूसरा सेकंड वो जो ऊंचाई से नीचे बहुत कितने किलोमीटर नीचे था फायर जो भी थी, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस था कि वहाँ बंदा अगर सफर कर रहा है और नीचे देख लिया उसने तो उसके चक्कर आ गए। तो भाई वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि हम आगे किस चीज़ पर रिएक्ट करें जो आप लोगों को पसंद है। और आप लोग हमसे ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ पर रिएक्शन देना चाहिए और किस पर नहीं देना चाहिए। आप लोग भी अपनी मन पसंदीदा चीज़ यानी आप लोग को हमसे शेयर करें। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करिएगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक मिल सके। तो चलें फिर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।